दीवाना हूँ, फैन हूँ, बट यहाँ पे गॉब्लिन अभी हेक्टर पे पहले गोलियां चली थी, अब चली है गॉब्लिन पे। गॉब्लिन काफी ज्यादा ओपन में, एक आधी बुलेट काफी रही यहाँ पे उसको नॉक करने के लिए। बगी ने बहुत ज्यादा डैमेज दिया। फाइट इज बिटवीन टीम सोल एंड गॉडलाइक, बट गॉब्लिन ने नियो को डाउन कर दिया है, सोचने वाली बात ये रहेगी। और दूसरी तरफ हेक्टर ने शैडो को डाउन कर दिया है। दिस इज द मनी फाइट, द लॉटरी फाइट, जिस तरीके से चल रही है। ओमेगा आगे जाएंगे, उनको पता है फिनिश तो किया जा सकता है, लेकिन वो और आगे गए बिकॉज उनको पता है कि अगर यहाँ पर भाई क्या बैकअप दिया है रे, सेकंड प्लेयर नहीं क्रेजी दिया वे, मेरे को लगा गया एक सेकंड में लगा गॉब्लिन चल गया भाई, एक्टिंग बढ़िया थी, टाइम पे शैडो को नॉक किया ना भाई, वे उससे पहले बगी के ऊपर थोड़ा शॉट आया, सही हमने खोया मतलब होल्ड किया अच्छे से, बगी मिस बैलेंस हो सकती है, लेकिन अभी के लिए नहीं हुआ ऐसा कुछ भी। और आगे की तरफ को जाते नजर आएंगे टीम सोल, ये जो दो फिनिश उनके हिस्से में पहुंचने वाले हैं, एक तो मिल चुका है, दूसरा ब्लीड आउट हो रहा है, ये टीम सोल के लिए सही, बट गॉड लाइक द टीम विद द मोमेंटम उनके लिए कितना अलग होने वाला है ये। यहाँ पे घुटनों के बल वो ऑलरेडी आ चुके हैं, यहाँ पर दो प्लेयर गॉडल के अब किसी भी हालत में यहाँ से बचने की कोशिश करेंगे। नियो को बचना इज इम्पॉसिबल, यहाँ पे ओमेगा ने यहाँ पर ओके देन आई कैन सी सम बैंटिंग, हल्की हल्की से उनको पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़िया देखिए किस तरीके से, दिस इज प्योर एंटरटेनमेंट, दोनों के अंदर भाईचारा है, वो बिल्कुल भी हार्श नहीं दिखना चाहते। और नियो को यहाँ पर अगवा करने की कोशिश करी गई थी, बट फाइनली नियो का जो नॉक था फिनिश कंफर्म हो चुका है, और आप मिस कर गए यहाँ पर लोगों का रिवॉर्ड गोल्ड, वहां पे ढेर सारे प्राइजेस मिल रहे हैं, डोंट मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बट जॉनसन ने गॉब्लिन को डाउन किया, नॉक फिनिश निकाला जरूर, बट इसके आगे क्या, राइट इसके आगे क्या, ये एक सवाल बन जाता है दोनों टीमों को इस पर। भारी पड़ गया रही है, फायदा भी हल्का फुल्का हुआ है, नुकसान भी हल्का फुल्का हुआ है, तो यही रही है ये वाली फाइट। देखिए ज्यादा नहीं बोल सकते।